हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और टॉपिक हमारा चल रहा है अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म का थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसमें अभी तक हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस देख ली, लैपलास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की कंडीशंस देख ली, आरओसी की बात कर ली हमने, आरओसी की प्रॉपर्टीज़ देख ली, रिलेशन देख लिया लैपलास और फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन है, और लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म शुरू किया था। उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई हैं रिमेनिंग, आज पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ के लिए देखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके प्रूफ्स भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को लेकर सिस्टम की कॉजलिटी और स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और डिफरेंट केसेस देखेंगे कैसे हम ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं या फिर इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अगर हम शुरू करें तो जो लास्ट टॉपिक जहाँ तक हमने किया था, उसके बाद प्रॉपर्टी का नंबर मुझे याद नहीं है, आप देख लेना ये नंबर कौन सी है। तो जहाँ हमने डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये हमने प्रॉपर्टी देख ली थी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जिसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस है विथ आर ओ सी आर, तो प्रॉपर्टी कहती है अगर हमें एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, तो अगर हम इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। अब अगर इस सिग्नल के लिए हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो प्रॉपर्टी कहती है हमें पूरा फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ट्रांसफॉर्म होगा वो सिंपली हमें इसी ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा। कैसे? अगर हम इस ट्रांसफॉर्म को डिवाइड कर दें बाई एस, और जो आर ओ सी होगी, अब आर ओ सी पर क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर कहते हैं आर ओ सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एटलीस्ट आर इंटरसेक्शन रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, देखिए जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म में था कि डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन करने से क्या होता था, अगर एक्स टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा या एक्स ऑफ ओमेगा है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का ट्रांसफॉर्म आप देखते थे जे ओमेगा का टर्म मल्टीप्लाई हो जाता था। जब इंटीग्रेट करते थे तो वहाँ क्या होता था, जे ओमेगा के टर्म से डिवीजन होता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखा आपने कि जब हम टाइम डोमेन में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस का टर्म मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही एस का टाइम, ये जो एस का टर्म है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो अगर अब हम इस रिजल्ट को चेक करें, इसके प्रूफ की तरफ देखें, अगर बहुत सिंपल सा प्रूफ है, दो तीन तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड अगर हम ले लें, जैसे सपोज अगर हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है, इसको करने से पहले अगर हमने एक सिग्नल लिखा x ऑफ t कन्वॉल्व विथ ut, अगर आपको x ऑफ t और ut को कन्वॉल्व करना है, ठीक है, हम कॉन्वोल्यूशन कर चुके हैं, कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन, तो इसके लिए आप क्या वैल्यू लिखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ tau एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अगर यहाँ एच होता है तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो अगर सेकेंड फंक्शन यू है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, ये डी टी नहीं है, क्या होगी ये वैल्यू, डी ऑफ टाउ। अब आप जानते हैं कि ये जो सिग्नल होता है यू ऑफ टी माइनस टाउ, हम इसको बार बार ड्रॉ कर चुके हैं, यू ऑफ टी माइनस टाउ ये सिग्नल, इसको हमने और भी लिखा था कि इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यू ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, और हमने इसकी वैल्यू देखी थी विद रिस्पेक्ट टू टाउ। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने देखा था ये दो केसेस में, ये सिग्नल दोनों ही केसेस में, ये अगर हम टी लेस देन जीरो के लिए देखते थे, और अगर हम इसी सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, दोनों केसेस में ये जो सिग्नल था हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता था, माइनस इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ पर होता था, टी पर। टी लेस देन जीरो है इसलिए टी की वैल्यू हमने ओरिजिन से पहले शो की है, और अगर टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम टी को आफ्टर द ओरिजिन शो करेंगे, तो यहाँ पर टी। तो मतलब अगर हम ये सिग्नल देखें तो ये जो u ऑफ t माइनस टाउ है, ये सिग्नल हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर t तक एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों ही केसेस में आपको दिख रहा है सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, t तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि t की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो t ओरिजिन से पहले मिलेगा, अगर ग्रेटर देन है जीरो तो t आपको ओरिजिन के बाद मिलेगा। ठीक है, मतलब उस ड्यूरेशन में अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो यूनिट स्टेप फंक्शन अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है जो हमने लिखा है x ऑफ t कन्वॉल्व विथ
यू ऑफ टी, जिसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अभी हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है यू ऑफ टी माइनस टाउ की, ये वैल्यू वन होती है कहाँ से कहाँ तक, फॉर इट इज़ वन फॉर माइनस इन्फिनिटी, जब तक टाउ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, टी तक है। तो अगर इस ड्यूरेशन के बाहर हमारा ये सिग्नल ज़ीरो है तो प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। इसीलिए ओवरऑल हम इस फंक्शन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर अब इन्फिनिटी तक लिमिट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू टी के बाद कितनी होनी है, ज़ीरो। तो इसलिए हम लिमिट्स को चेंज करके माइनस इन्फिनिटी टू टी लिख सकते हैं। उस ड्यूरेशन में एक्स ऑफ टाउ, ये सिग्नल जैसा भी होगा एक्स ऑफ टी, इन टू इस फंक्शन की वैल्यू तो वन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी टाउ ऐसा लिख सकते हैं हम। अब अगर आप देखें तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स ऑफ, ये जो हमारे पास लिखी हुई है माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट मे बी रिटर्न एज एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ यू ऑफ टी। ये चीज़ क्लियर होगी, आपने कन्वोल्यूशन में बहुत डिटेल में देखी हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन दो फंक्शंस के टाइम में कन्वोल्यूशन से मिल रहा है और अगर हमें इस फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करना है तो इस तरफ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, लैपलास लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें इस फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका होगा, एक्स टी कन्वॉल्व विथ यू टी का। और बाय कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म वी ऑलरेडी नो दैट कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इस ट्रांसफॉर्म को अगर हम लिखना चाहें तो एक्स टी का ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस है और यू टी का ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, यू टी का ट्रांसफॉर्म दैट इज वन अपॉन एस, तो इसलिए इस टर्म का ट्रांसफॉर्म आपको कितना दिख रहा है, एक्स ऑफ एस अपॉन एस। तो यही चीज़ हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ का जो ट्रांसफॉर्म होगा उसके लिए क्या होगा, एस का टर्म डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारी है वो किसके लिए है, बाइलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए। अगर यहीं पर यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म की हम बात करते तो फिर वहाँ पर ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें तो अगर हम यही यूनिलैटरल के केस में देखते तो फिर वहाँ पर ये जो वैल्यू होती वो किस टाइप की वैल्यू होती, एक्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी डी टी एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो अपॉन एस। इस टाइप की ये वैल्यू आपको मिलती है इन केस ऑफ यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी तो ठीक है, और आर ओ सी कैसी होगी, आर ओ सी अगर आर ओ सी में पहले रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास आर ओ सी ऐसी है जिसमें रियल ऑफ एस लेस देन ज़ीरो का भी कोई पार्ट था, तो अब जो आर ओ सी आएगी उसमें से वो पार्ट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जो इनिशियल आर ओ सी थी उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो के साथ। मतलब जो ओवरऑल आर ओ सी आएगी आर ओ सी उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो के बाद का ही जो पोर्शन होगा वो रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सिस्टम में एक क्या ऐड हो रहा है, वन पोल एट ओरिजिन एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर एक पोल ऐड हो रहा है। तो अगर एक पोल है तो उसके बाद ही आपकी आर ओ सी हो सकती है, उस पोल को कंटेन आर ओ सी नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए एक क्वेश्चन से भी आप समझ सकते थे इसको, कि इसका प्रूफ ही आप उसको भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एक सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल्स टू यूनिट इम्पल्स फंक्शन दैट इज डेल्टी, तो आप जानते हैं इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू डेल्टी का ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर चुके हैं, क्या होती है वैल्यू, इम्पल्स इन टाइम डोमेन इज कॉन्स्टेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और डेल्टी का ट्रांसफॉर्म वन। अगर वन है ट्रांसफॉर्म, मतलब एस से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इसलिए आपने लिखा था कि आर ओ सी जो होगी वो कैसी होगी, एंटायर एस प्लेन। एंटायर एस प्लेन मतलब अभी अगर हम इस सिग्नल की आर ओ सी देख रहे हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्म वन है, और एस की किसी भी वैल्यू के लिए, सिग्मा की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपने इस सिग्नल को एक नया सिग्नल डिफाइन किया, सपोज एक्स वन ऑफ टी दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, वेयर एक्स टी इज वॉट डेल टी, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल ऑफ टाउ डी टाउ। ये फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल ऑफ टाउ डी टाउ, ये फंक्शन क्या मिलता है हमें,
स्टेप फंक्शन, स्टेप और इम्पल्स के बीच का रिलेशन देखा है आपने, तो ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन मिला हमें, यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज यूटी। और यूटी का ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, यूटी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म इट इज 1/s, और इसकी आरओसी क्या होती है, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। तो अब अगर आप इन दोनों ट्रांसफॉर्म को कंपेयर करें और इस प्रॉपर्टी को देखें जो अभी हमने पढ़ी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन इन टाइम, अगर हमारे पास किसी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म नोन था, अगर हमने उस सिग्नल को इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो क्या हो रहा है, जो पहले ट्रांसफॉर्म था उसमें एस से डिवीजन आ रहा है, ठीक है। और आरओसी पर क्या इफेक्ट आया, पहले आरओसी कैसी थी, एंटायर एस प्लेन, पहले आरओसी में ये अगर हमारी ये जे ओमेगा और ये सिग्मा की एक्सिस है, तो हमारी आरओसी पहले ये एंटायर एस प्लेन हमारी आरओसी थी, लेकिन अब जब आपने इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो अब इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, जो भी प्रीवियस आरओसी थी एंटायर एस प्लेन, उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, एंटायर एस प्लेन, इसको हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे इसका विथ रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। अब तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, एक एरिया जो रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0 के बाद ही हो, और दूसरा जो पूरा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इसलिए क्या मिल रहा है आपको, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। तो इसलिए प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर वैलिडेट हो रही है, ठीक है। इसको आप और भी तरीके से देख सकते हैं, सपोज जैसे आप इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो वहां पर आप इनवर्स लैपलास कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर टाइम डोमेन सिग्नल डिफाइन करना हो यूजिंग इट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस, तो कैसे लिखते हैं आप एक्स ऑफ टी की वैल्यू, 1/2πj इंटीग्रेशन फ्रॉम सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस ई टू द पावर प्लस एस टी ds, ऐसा लिखा था आपने, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों तरफ, अगर xt में हम क्या लेना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी x ऑफ टाउ d टाउ, दोनों तरफ अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसी को टाउ लिखा हमने, लिमिट्स हमारी t के टर्म्स में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे साइड में जो t का फंक्शन है वो सिर्फ कौन सा है, e टू द पावर st, तो इस पूरे में इंटीग्रेशन सिर्फ किस पार्ट का होगा, इस पार्ट का। तो अगर आप इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1/2πj, ये इंटीग्रेशन एज इट इज है, सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस ई टू द पावर एस टी को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तो क्या वैल्यू मिलेगी, ई टू द पावर, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख लें, सपोज यहाँ लिख लेते हम, आप अगर यहाँ ई टू द पावर एस टाउ डी टाउ करें इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक लिमिट लेनी है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, ई टू द पावर एस टाउ अपॉन एस, और लिमिट्स आप पुट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, जब आप लिमिट पुट करेंगे टी, तो आपको फंक्शन मिलेगा ई टू द पावर एस टी माइनस, जब आप टी टाउ टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 अपॉन, ये तो डिनोमिनेटर में एस है, मतलब इस पूरे की रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है, पूरे का रिजल्ट क्या मिलेगा, e टू द पावर एस टी अपॉन एस। तो इस अपॉन एस को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो एस हमने इसके साथ लिख लिया, इन टू ई टू द पावर एस टी और ये बाद का डी एस, ठीक है। हमने इस तरफ भी इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इस तरफ भी हमने जो टी का कंटेन करने वाला टर्म था उसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। अब अगर आप देखें तो जैसे हमने कहा था कि ये अगर इनवर्स हमारा फॉर्मूला, मतलब ये और ये लैपलास ट्रांसफॉर्म पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्स ऑफ एस का इनवर्स क्या होगा, एक्स टी होगा, या एक्स टी का लैपलास क्या होगा, एक्स ऑफ एस होगा। ऐसे ही अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो इतने टर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ मिल रही है आपको, एक्स ऑफ एस अपॉन एस मिल रही है। तो यही कहती है प्रॉपर्टी कि अगर एक्स टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस हो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ का लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस अपॉन एस होगा, ठीक है। और आरओसी क्या होगी, जो पहले आरओसी थी उसका इंटरसेक्शन लेना है आपको किसके साथ, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जैसे हमने ये पढ़ा इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन।
इस प्रॉपर्टी को आप डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी नाम से भी पढ़ते हैं। जैसे आपने जो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी नाम से भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर आपने कैसा स्टेटमेंट लिखा था, अगर एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस हो तो माइनस टी टाइम्स एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर टी से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट होता है, यहां पर टी से डिवाइड करने की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म नोन है, दैट इज एक्स ऑफ एस आर ओ सी आर, तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इस सिग्नल एक्स ऑफ टी को टी से डिवाइड कर दें तो एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इस फंक्शन का जो लैपलास होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ एस, अगर हम देखना चाहते हैं तो अब वैल्यू होगी उसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस डी एस और आर ओ सी कंटेनिंग आर। कंटेनिंग आर का मतलब आप समझते हैं जीरो और इन्फिनिटी के पॉइंट्स को आप चेक कर लेंगे, वो पॉइंट्स इंक्लूड हो पहले तो बाद में हट सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव करना चाहते हैं, बहुत सिंपल, फिर से आप बाई डेफिनेशन जो लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं बस वहां पर अगर आप एक्स ऑफ टी अपॉन टी के लिए लैपलास देखना चाहें, ठीक है, दो तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर लें। जैसे आप अगर लिखते हैं एक्स ऑफ एस दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, तो क्या लिखते हैं आप एक्स ऑफ एस बाई डेफिनेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी जिस सिग्नल का आप लैपलास निकाल रहे हैं इन टू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये क्या हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म बाई डेफिनेशन कि लैपलास ऑफ एक्स ऑफ टी इज गिवन एज एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अगर हम इसमें राइट हैंड साइड से लेकर प्रूव करना अगर शुरू करें कि अगर हम इस एक्स ऑफ एस का इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस डी एस, अगर हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमने इस तरफ इंटीग्रेट किया तो हमें दूसरे तरफ भी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पर एस का टर्म कौन सा है, सिर्फ एक ही टर्म है हमारा एस का, कौन सा, ई टू द पावर माइनस एस टी। अब अगर हम ई टू द पावर माइनस एस टी को इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी तो क्या वैल्यू आएगी, दैट इज ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस टी, क्योंकि हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। जब आप लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट इन्फिनिटी तो टर्म क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी जीरो माइनस, जब आप एस पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट है टर्म हमारा एस से, तो अगर आप देखें तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल होकर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी मिलेगी, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ वो वैल्यू पुट कर दी, हमने दोनों तरफ अगर क्या किया एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी और टी को हमने एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी लिख दिया इंटू डी टी। फिर से आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें, अगर हमने यहाँ एक्स ऑफ एस लिखा है तो वो किसका ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ टी का, तो इसका मतलब ये अगर हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस डी एस तो ये किसका ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ टी अपॉन टी का, तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है हमारी वो प्रूव हो गई कि एक्स ऑफ टी अपॉन टी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स एस डी एस, ये हमारा एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी देखें हम जो यहाँ थ्योरम्स के नाम से हमारे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर हम बात करें इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर हम इनमें से पहले अगर बात कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम की,
देखिए, तो जब भी आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कुछ क्राइटेरिया, ये जिस सिग्नल के लिए हम इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो दो चीज़ें आपको चेक करनी है यहाँ पर, दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये टू कंडीशंस जो है ये हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, उन्हीं के कंडीशन में आप इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं सिग्नल की। पहली चीज़, जिस सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए हम इनिशियल वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो सिग्नल एक्स ऑफ टी मस्ट बी ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सिग्नल किस फॉर्म का हो, कैसा सिग्नल होना चाहिए, कॉजल सिग्नल होना चाहिए। मतलब कैसा सिग्नल होना चाहिए, जहाँ पर आप इस ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स टी मे बी रिटर्न एज एनदर फंक्शन एक्स वन ऑफ टी इन टू यू टी। किसी सिग्नल के साथ यू टी अगर आप लगा कर लिख देते हैं तो ऑलरेडी इसका मतलब ये यू टी बता देता है कि ज़ीरो के पहले सिग्नल क्या हमारा ज़ीरो है, क्योंकि यू टी कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब इनिशियल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि सिग्नल हमारा कॉजल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्स ऑफ टी ज़ीरो है फॉर टी लेस देन ज़ीरो तभी आप इनिशियल वैल्यू अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन जो आपको चेक करनी है कि जिस सिग्नल की आप इनिशियल वैल्यू निकालने चाह रहे हैं इट मस्ट नॉट कंटेन एनी इम्पल्स फंक्शन, डेल्टा फंक्शन दैट इज़, और इट्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर सिंगुलैरिटीज़, ठीक है। मतलब इट मस्ट नॉट कंटेन इम्पल्सेस और इट्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इम्पल्सेस नहीं होने चाहिए या हायर ऑर्डर डिसकंटिन्यूटीज, हायर ऑर्डर जो सिंगुलैरिटीज होती हैं फंक्शन की वो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट देख लें, क्यों हम यूज़ करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है, वो चीज़ें हम देखते हैं पहले। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहती है किसी सिग्नल की वैल्यू, देखिए अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि सिग्नल एक्स ऑफ टी जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, मतलब वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, टी इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, मतलब आपको सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, कहाँ पर चाहिए, एट लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और जीरो में भी कैसा लिख सकते हैं आप, जीरो प्लस, क्योंकि लेस देन जीरो के लिए वैल्यू अगर हमारी जीरो है तो जीरो के जस्ट बाद का ही पॉइंट आप कंसीडर करेंगे कि अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स ऑफ टी की हम वैल्यू देखें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम कि हम किसी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब टाइम डोमेन में एट टी इज इक्वल्स टू जीरो सिग्नल की क्या वैल्यू है वो हम पता कर सकते हैं बिना टाइम डोमेन को देखे, अगर हमें उसका क्या पता है, फूरियर लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, अगर हमें उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, एक्स टी के लैपलास ट्रांसफॉर्म को अगर हम एक्स ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर दें तो उस लैपलास ट्रांसफॉर्म को अगर हम एस से मल्टीप्लाई कर लें और अगर हम यहाँ लिमिट पुट कर दें, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बहुत सिंपल प्रूफ है, अभी इसका प्रूफ देख लेंगे हम। क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर किसी सिग्नल की हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए, मतलब टाइम डोमेन में अगर हमें सिग्नल की वैल्यू बतानी है टी टेंड्स टू जीरो, जो एक्चुअली क्या है जीरो प्लस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हमें उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन पता है, एक्स ऑफ एस पता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, तो बस उस लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे और हम वैल्यू पुट कर देंगे एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखें अगर हम इसका प्रूफ, तो देखिए किसी भी, जैसे अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन ले ली है, एक्स ऑफ टी जीरो है किसके लिए, फॉर टी लेस देन जीरो। तो अगर हम बाई डेफिनेशन देखें लैपलास ट्रांसफॉर्म की, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से एक्स ऑफ एस क्या लिखते थे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इन टू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ऐसा लिखते थे। लेकिन अब अगर हमने डिफाइन कर दिया कि एक्स ऑफ टी हमारा जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, मतलब ये जो लोअर लिमिट है, अब इस लिमिट को हम क्या ले लेंगे, फ्रॉम जीरो प्लस, ठीक है, ये समझ रहे हैं हम। क्योंकि अगर हमारा सिग्नल टी लेस देन जीरो पर डिफाइन नहीं है, जीरो के बाद ही या जीरो पर अगर हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हमने जीरो प्लस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, जो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये चीज़ हमें क्या दे रही है, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, बाइलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, जैसे अगर आप
कभी आपके पास इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, ठीक है, अगर ये हमारा u और v दोनों x के फंक्शंस हैं तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एक को मानते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग और सेकंड फंक्शन दूसरे को, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखकर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ऐसा आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत बार, तो बस उसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो अगर हमने यहाँ पर ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, तो अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन मान लें v और इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें u, तो u इंटू v के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये भी हमारा t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बार हमने इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए x ऑफ t को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है तो x ऑफ t को हमने कांस्टेंट रखा और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या वैल्यू मिलेगी हमें? e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस s, और इसमें हमें लिमिट्स क्या पुट करनी है? फ्रॉम 0 प्लस टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन, ये लिमिट भी है कहाँ से कहाँ तक? 0 प्लस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? x ऑफ t, तो x ऑफ t का डिफरेंशिएशन मतलब हमने लिखा डी एक्स ऑफ t अपॉन डी t, ठीक है, फिर उसके साथ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन को अभी हमने इंटीग्रेट किया था, ये वैल्यू मिलेगी हमें e टू द पावर माइनस एस t अपॉन माइनस s, और जो वैल्यू आई इसके बाद हमें फिर से क्या करना है? इसको एक बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज एक्स ऑफ एस मे बी रिटर्न एज, यहाँ से देखिए अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे फर्स्ट टाइम में, एक्स ऑफ इन्फिनिटी क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप अपर लिमिट एक्स ऑफ टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? जीरो। तो x ऑफ t इंटू जीरो आपको क्या मिलेगी वैल्यू? जीरो, ठीक है। तो अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो हमें वैल्यू मिली जीरो, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो प्लस, तो x ऑफ t की वैल्यू को लिख सकते हैं हम x ऑफ जीरो प्लस इंटू e टू द पावर st की वैल्यू है t टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगी वैल्यू? वन, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन माइनस s, ये हमारे फर्स्ट इस पार्ट की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इस रिजल्ट को, ये साइन नेगेटिव और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस, और इस 1 बाई एस के टर्म को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो अगर आप इस 1 बाई एस को बाहर कर लें तो प्लस 1 अपॉन s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 प्लस टू इन्फिनिटी, क्या वैल्यू है यहाँ से? डी एक्स ऑफ t अपॉन डी t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अच्छा देखिए यहाँ से अगर यहाँ अगर हम देखें तो ये माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया और दोनों के डिनोमिनेटर में एस आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर में एस कॉमन कर सकते हैं, वन बाई एस टाइम्स एक्स ऑफ जीरो प्लस, ये वैल्यू एक्स ऑफ जीरो प्लस प्लस साइन के साथ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर आप इस एस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस कैन बी रिटन एज एक्स ऑफ जीरो प्लस प्लस दिस वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अगर आप इस टर्म को कंसिडर करें, हम एक फंक्शन ले रहे हैं, उस फंक्शन को ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इस फंक्शन का हम लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन को एक तरफ रहने दें, इसको अगर हम दूसरी साइड लिख लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी
dt is equals to s times x of s माइनस ऑफ x ऑफ 0 प्लस. ठीक है, तो देखिए आप ये रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके हैं. ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, d बाई dt ऑफ xt का यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो जब हमने डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए हमने यही लिखा था कि अगर हमने बाईलैटरल लिखा था तो सिर्फ लिखा था कि अगर xt का लैपलास x ऑफ s है तो d बाई dt ऑफ xt का लैपलास क्या होगा, सिर्फ s इंटू x ऑफ s. लेकिन जब यूनिलैटरल की बात की थी तो हमने वहां लिखा था एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस. ठीक है, वो जीरो माइनस इनिशियल कंडीशन को शो करने के लिए था, लेकिन वो जीरो माइनस अगर आपने यूनिलैटरल डिफाइन कर दिया कि सिग्नल अगर जीरो के बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो माइनस का तो कहीं पर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, मतलब हमेशा वो वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस होगी. ये चीज आप वहां कंफ्यूज मत होना कि वहां माइनस क्यों लिखा या प्लस क्यों लिखा, वहां माइनस लिखा है आपने, ठीक है, आप उसको समझ लेना कि एक मिस्टेक है. वहां पर कभी क्या होना चाहिए था, जीरो प्लस ही होना चाहिए था. ठीक है, तो अगर आप देखें तो वो रिलेशन भी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि उसका क्या प्रूफ है, क्यों यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम ऐसे ही लिखते हैं कि d बाई dt ऑफ xt का यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऐसा क्यों होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को सपोज हमने इस इक्वेशन को एक नाम दे दिया इक्वेशन वन. अब अगर हमें वैल्यू देखनी है, अगर हम दोनों तरफ अगर हम इसमें एक लिमिट पुट कर दें, अच्छा ये चीज़ क्या है, x ऑफ जीरो प्लस, व्हाट इज x ऑफ जीरो प्लस, वैल्यू ऑफ सिग्नल x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो दैट इज जीरो प्लस, जीरो के जस्ट बाद हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मतलब ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है. ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू. हमें कैसे मिली है ये वैल्यू, जब हमने x ऑफ t सिग्नल में लिमिट पुट की t टेंड्स टू जीरो प्लस. ठीक है, तो इसलिए अगर हम अब इस इक्वेशन में अगर हम इसके दोनों तरफ एक लिमिट लेना चाहते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट अगर हमने दोनों तरफ एक लिमिट ले ली s टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो प्लस टू इन्फिनिटी e टू द पावर, सॉरी इट इज डी एक्स ऑफ t डिवाइडेड बाई डी टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल्स टू, इधर भी हमें लिमिट लेनी है वही वैल्यू, s टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस. ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट का क्या इफेक्ट होगा, अगर आप इफेक्ट देखें, एस कंटेन करने वाला जो टर्म है इस साइड में बस वो एक ही टर्म है, कौन सा, ई टू द पावर माइनस एस टी. अगर आप यहाँ पर एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, जीरो. मतलब एट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एच एस गोज टू जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ तो ये टर्म हमारा एस को कंटेन करने वाला टर्म है, हम नहीं कह सकते एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि हो सकता है एक्स ऑफ एस में डिनोमिनेटर में एक एस का टर्म हो और वो दोनों एस कैंसल्ड हो जाए, मतलब अलग अलग कंडीशंस हो सकती है. अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में इनिशियल वैल्यू फाइनाइट होगी, कौन सी कंडीशन में जीरो होगी, कौन सी कंडीशन में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस, ये जो टर्म है हमारा ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ये एस से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इसमें एस टेंड्स टू इन्फिनिटी का इस टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. मतलब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जीरो प्लस एज इट इज, इसमें हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर इस तरफ जीरो है, मतलब अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स ऑफ जीरो प्लस, जो कि क्या शो कर रही है वैल्यू, लिमिट ऑफ लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एक्स ऑफ टी, वही वैल्यू हमारी क्या है, एक्स ऑफ जीरो प्लस. तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस. तो यही है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, कि अगर हमें किसी सिग्नल की वैल्यू एट टी टेंड्स टू जीरो चाहिए तो हमें उसके ट्रांसफॉर्म को एस से मल्टीप्लाई करना है और उसमें हमें लिमिट पुट कर देना है एस टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे, अभी हम फाइनल वैल्यू थ्योरम जब करेंगे तो वहाँ भी हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे. और यहाँ हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए थी तो हमने एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया, फाइनल वैल्यू के लिए हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों तरफ अपनी लिमिट,
एस टेंड्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिए अभी, क्योंकि हम ये रब करके फिर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम देखेंगे। तो अभी हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम से देखा कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स ऑफ टी, दैट इज एक्स ऑफ जीरो प्लस, इज गिवन एज लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम जिस फंक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस की बात कर रहे हैं, अगर हम इस एक्स ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करके उसमें लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करके अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, इनिशियल वैल्यू, तो कंडीशंस क्या हैं? अगर हम एक्स ऑफ एस को एक रैशनल फंक्शन एज्यूम कर लें, इफ एक्स ऑफ एस इज अ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या होगा कि एक्स ऑफ एस हमारा कैसा फंक्शन है, न्यूमरेटर ऑफ एस अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ एस। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का फंक्शन होगा। अब अगर हम मान लें कि जो न्यूमरेटर है अगर उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है, केस वन अगर हम एज्यूम कर लें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डी ऑफ एस, मतलब हम कोई ऐसा एक एक्स ऑफ एस एज्यूम कर सकते हैं, लेट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एट एस प्लस 16 अपॉन, इट इज एस एक्चुअली एस प्लस 4। मतलब अगर हम देखें हमने जो फंक्शन लिखा वो कैसा लिखा, एस प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस 4, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एस प्लस 4। अगर हम इस ओवरऑल फंक्शन को अगर हम इवेल्यूएट करते तो फंक्शन किस फॉर्म का मिलता हमें, एस प्लस 4 के फॉर्म का फंक्शन मिलता। ठीक है, ये ओवरऑल अगर हम बात कर लें कि ये जो हमारा एस इंटू एक्स ऑफ एस है, अगर मान लीजिए इस फॉर्म का फंक्शन मिला आपको, ठीक है, तो अब अगर आप इसका इन्वर्स लेना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि एक्स ऑफ एस अगर हमारा ऐसा फंक्शन है तो इसका मतलब जो एक्स ऑफ टी रहा होगा वो कैसा रहा होगा। अगर आप याद करें डेल्टी का फूरियर लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 का इन्वर्स लैपलास क्या है, डेल्टी। ठीक है, मतलब अगर कहीं कोई कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे अगर पूछा जाए कि 4 का इन्वर्स लैपलास क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, 4 का इन्वर्स लैपलास आप क्या शो करेंगे, 4 टाइम्स डेल ऑफ टी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम अगर डेल्टी का लैपलास 1 कह रहे हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टी का लैपलास क्या होगा, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी अगर हमने पढ़ी है कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, एस का टर्म मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 में अगर आप एस का टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। मतलब ये जो एक्स ऑफ एस है, जिस सिग्नल के लिए, मतलब एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एस। ठीक है, अगर एक्स ऑफ एस आपको पता है और एक्स ऑफ एस कैसा दिख रहा है आपको, जिसमें न्यूमिरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक ऐसा फंक्शन आएगा आपके पास जो कुछ इस फॉर्म का होगा कि एस का कुछ टर्म होगा और कुछ कांस्टेंट होगा। तो अगर एस का टर्म है, मतलब अगर आप इसका इन्वर्स लेते तो इसका इन्वर्स एक्स ऑफ टी किस फॉर्म का लिख सकते थे आप, एस है मतलब क्या है, डेल डैश ऑफ टी प्लस 4 टाइम्स डेल ऑफ टी, कुछ इस फॉर्म का आपका अगर फंक्शन मिल रहा है आपको। यहाँ से देख रहे हैं आप किस टाइप का फंक्शन मिल रहा है आपको, जिस एक्स ऑफ टी में क्या है, इम्पल्सेज हैं और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। तो मतलब हम इस सिग्नल की इनिशियल वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब अगर हमने ये केस देख लिया, जैसे ही आपके पास कोई सिग्नल है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन है, सपोज क्वेश्चन ऐसा था कि एक्स ऑफ एस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस, और पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो कुछ इस फॉर्म का फंक्शन आएगा जो कि अपने आप में टाइम डोमेन सिग्नल में क्या रहा होगा, इम्पल्स या उसके डेरिवेटिव्स रहे होंगे। तो उस कंडीशन में हमने पहले ही दो कंडीशंस लिख ली जो मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए, तभी हम इनिशियल वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री न्यूमरेटर की हमेशा बड़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो गई तो क्या होगा, अगर आप सपोज एक इक्वल डिग्री का कोई भी वैल्यू मान लीजिए, सपोज हमने केस टू ले लिया, केस टू अगर दोनों की डिग्री सेम है, जैसे अगर हमने मान लो एक एक्स ऑफ एस एक ऐसा फंक्शन ले लिया दैट इज इक्वल्स टू एस प्लस 4 अपॉन एस प्लस 4, हम बस यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम डिग्री देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों फंक्शन सेम होंगे तो लिखेंगे क्यों, फिर तो 1 लिखा होता, हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ दोनों की डिग्री सेम रख के देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो किस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है,
फिर से x ऑफ s अगर कांस्टेंट है मतलब टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ t में क्या रहा होगा, इम्पल्स रहा होगा। फिर से अगर सिग्नल इम्पल्स कंटेन कर रहा है तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो हमेशा जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर d ऑफ s है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन। तो जब तक न्यूमरेटर फंक्शन की डिग्री डिनोमिनेटर फंक्शन से कम रहेगी तभी आप उसके लिए इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम, यहां से देखकर आपको देखते ही जो चीज़ समझ जाना है कि जैसे ही आपको दिखा कि न्यूमरेटर की डिग्री या तो बड़ी है या इक्वल है डिनोमिनेटर के, तब तक आप उसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंडीशन एक ही है, कौन सी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो होनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा, कितने से बड़ी होनी चाहिए, मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया कि एक्स ऑफ एस, अगर इस फॉर्म का फंक्शन हो गया एस प्लस टू अपॉन एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फोर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू अगर आप इसकी कैलकुलेट करें, ठीक है, अब इसकी इनिशियल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या होगी आप देखकर ही क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं आप कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी देख लेते हैं। अगर हम इसकी इनिशियल वैल्यू चाहते हैं, मतलब अगर हम x ऑफ जीरो प्लस चाहते हैं, मतलब हमें वो चीज़ कैसे मिलेगी, s टेंड्स टू इन्फिनिटी s टाइम्स x ऑफ s, x ऑफ s की वैल्यू में अगर हम देखें, सपोज ऊपर अगर हमने s कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन s, नीचे मैक्सिमम पावर अगर हम s का कॉमन कर लें s क्यूब तो 1 प्लस 2 अपॉन s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर एंड प्लस 4 अपॉन s क्यूब। ठीक है, s और s, इससे दो पावर s के कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, एक पावर s का बचेगा। जब आप लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एट s टेंड्स टू इन्फिनिटी ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, मतलब एट s टेंड्स टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, न्यूमरेटर में वैल्यू मिल रही है वन अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू है s, जहां पर s टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो। इसका मतलब क्या देखा आपने, अगर न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी है या इक्वल है डिनोमिनेटर के तब तो इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है लेकिन अगर इन दोनों के डिग्रीज में जो डिफरेंस है अगर वो वन से ज़्यादा वैल्यू है तो फिर इसकी जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब एक और कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप, इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, अगर ये वैल्यू जो है हमारी, अगर ये वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन वन है देन नेसेसरीली जो इनिशियल वैल्यू होगी दैट इज एक्स ऑफ जीरो प्लस विल ऑलवेज बी जीरो। तो अब तीसरी क्या पॉसिबिलिटी रह गई, मतलब इनिशियल वैल्यू के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या इक्वल है तो निकाल नहीं सकते, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और अगर वैल्यू नॉन जीरो होनी है तो एक ही कंडीशन है क्या, कि अगर इन दोनों की डिग्रीज का हम डिफरेंस देखें तो वो कितना होना चाहिए, वो डिफरेंस वन होना चाहिए। अगर वन है तो उस कंडीशन में इनिशियल वैल्यू फाइनाइट आएगी, अगर वन से ज़्यादा है तो हमने देखा हमेशा इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये चीज़ें हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम के, बहुत ही आपके ये बेनिफिशियल थ्योरम है, कभी भी आपको टाइम डोमेन में कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होती है अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन पता है, या नहीं भी पता है तो अगर आपने लैपलास कैलकुलेट कर लिया तो इनिशियल वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है इसी में पार्ट बी, दैट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो देखिए फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर हमें किसी सिग्नल की फाइनल वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहां भी फिर से जो एप्लीकेबल ये कब है हमारा थ्योरम, जो दो स्टेटमेंट्स लिखे थे आपने वहां कि x ऑफ t मस्ट बी जीरो फॉर t लेस देन जीरो वैलिड है यहां भी, उसके साथ आपने और लिखा था कि कोई इंपल्स, ठीक है सेकंड पोर्शन को नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज और आप लिख सकते हैं कि x, ये तो है ही हमारा x ऑफ t मस्ट बी जीरो फॉर t लेस देन जीरो, ठीक है, इसके साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि x ऑफ t में हमारे इंपल्सेस या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ आप और लिखेंगे
कि जो s इंटू एक्स ऑफ s इस सिग्नल के जो पोल होने चाहिए, मतलब एक्स टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s, उसको अगर हम s से मल्टीप्लाई कर दें, तब जो रैशनल फंक्शन बने उसके जितने भी पोल्स होने चाहिए वो सारे पोल्स जो होने चाहिए, पोल्स ऑफ s टाइम्स x ऑफ s मस्ट लाई इन एल एच एस ऑफ एस प्लेन। ठीक है, चौथी चीज, आप कभी भी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते फाइनल वैल्यू, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और आपको अगर फाइनल वैल्यू चाहिए, मतलब सिग्नल की वैल्यू बतानी है आपको एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर भी वो जो पीरियोडिक सिग्नल होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में उसमें ऑसिलेशंस चलते रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते। और किन की फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते आप? जो अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं, जो हमारे अनस्टेबल अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं, उनके लिए फाइनल वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आप और याद रखेंगे कि फॉर अनबाउंडेड एंड पीरियोडिक फंक्शंस इट इज नॉट एप्लीकेबल, फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती क्या है? जैसे हमने वहां लिखा था कि लिमिट इनिशियल वैल्यू, मतलब लिमिट टी टेंड्स टू जीरो प्लस, जहां से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है जस्ट उस पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब हम फाइनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट होने वाला सिग्नल मैक्सिमम कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है टाइम में? एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें अगर फाइनल वैल्यू चाहिए, मतलब लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हमें सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, मतलब जिसको आप और क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी कहती है, थ्योरम कहती है कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये हम बिना टाइम डोमेन को देखे सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन से पता लगा सकते हैं, अगर हम उसके लैपलास को एस से मल्टीप्लाई करें और अब अगर क्या पुट कर दें, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पुट कर दें। तो यह है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखिए, अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था, उसके लिए बोला भी था कि ये इक्वेशन हम फाइनल वैल्यू के लिए भी यूज़ करेंगे, वहीं बस वहीं से आपका ये प्रूफ आ जाएगा कि जो आपने लिखा था पहले कि यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म की अगर आप बात करते हैं, मतलब अगर सिग्नल हमारा जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, ऐसे सिग्नल के लिए अगर आप लैपलास कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट्स आप लेते हैं फ्रॉम जीरो प्लस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया, फिर उसको अलग अलग अरेंज करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। अब हमें जब इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमने दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ हमने लिमिट पुट की थी, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर हम दोनों तरफ अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, इंटीग्रेशन जीरो प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ भी हमें s टेंड्स टू जीरो अप्लाई करनी है, लिमिट s x ऑफ s माइनस x ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, अब देखिए, वहाँ जब हम s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर रहे थे तो ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म क्या हो जा रहा था उस कंडीशन में, s टेंड्स टू इन्फिनिटी पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म जीरो हो जा रहा था, तो ये ओवरऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा ही जीरो था। लेकिन अब हम क्या लिमिट पुट कर रहे हैं, s टेंड्स टू जीरो, तो s टेंड्स टू जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अब अगर ये फंक्शन वन हो गया, मतलब जो LHS है हमारा, वहां क्या चीज आ रही है, जीरो प्लस टू इन्फिनिटी डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी इन टू डी टी इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो s टाइम्स x ऑफ s माइनस, फिर हमने देखा था ये तो कांस्टेंट है तो लिमिट जो s की पुट होगी वो सिर्फ इस टर्म में पुट होगी। ठीक है, तो हमने लिखा लिमिट s टेंड्स टू जीरो s x ऑफ s माइनस कांस्टेंट वैल्यू x ऑफ जीरो प्लस। अब अगर यहाँ आप देखें,
डी टी और डी टी कैंसल हो, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बचा, डी ऑफ एक्स टी, मतलब अब ये इंटीग्रेशन नहीं रह गया, ठीक है। अब सिर्फ डिफरेंस ऑफ एक्स टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बिटवीन दीज टू लिमिट्स, मतलब इस पूरे एल एच एस की जो वैल्यू होगी एट एस टेंड्स टू ज़ीरो, ये वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ टी में आपको दो वैल्यूज पुट करनी है, ज़ीरो प्लस एंड इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट पुट किया तो एक्स ऑफ इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्यूएट कर लिया हमने इतना। इट इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस। अब अगर आप देखें तो इक्वल टू के दोनों साइड हमारे पास ये टर्म है एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस नेगेटिव साइन के साथ इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। तो फाइनली आपको क्या चीज़ मिली, देयर फॉर एक्स ऑफ इन्फिनिटी इज लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो यही है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, पीरियोडिक सिग्नल्स की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनबाउंडेड सिग्नल्स की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एस एफ एस के पोल्स अगर राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मार्जिनल सिस्टम्स के केस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ एब्सोल्युटली सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल के केस में कर सकते, ठीक है। अगर फिर से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म्स में अगर बात करें, मान लीजिए कि जो हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ एस, अगर वो इस टाइप का कोई फंक्शन है, जैसे न्यूमरेटर जो हम लिख रहे थे कि न्यूमरेटर ऑफ एस अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ एस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दोनों तरफ अगर हम ट्रांसफॉर्म ले लें, और तो इस टाइप का हमारा कुछ फॉर्म आपको मिल जाता है, जैसे हमने अगर लिखा बी एम एस एम प्लस बी एम माइनस वन एस एम माइनस वन प्लस अप टू बी वन एस प्लस बी नॉट अपॉन ए एन एस एन प्लस ए एन माइनस वन एस एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एस प्लस ए नॉट, ठीक है। अगर हमारा इस टाइप का कोई अगर पॉलिनोमियल है, मतलब अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल्स अगर हमारे इस टाइप के, हमने यहाँ एस का मैक्सिमम पावर एम शो किया है, यहाँ एस का मैक्सिमम पावर एन शो किया है, ठीक है। यहाँ डिग्री के डिफरेंस से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ डिग्री का डिफरेंस कितना भी हो उससे फाइनल वैल्यू अनएफेक्टेड है। फाइनल वैल्यू को किससे मतलब है, अगर मान लीजिए दोनों में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप यहाँ पर अगर आप इसमें पुट कर दें लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस, तो क्या वैल्यू होगी, अगर हमने एस से मल्टीप्लाई कर रखा है लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस इंटू, अगर इसमें आपने ये हमारा एक्स ऑफ एस है, इसमें अगर आप लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो पुट कर दें तो जितने भी एस वाले टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, बी नॉट अपॉन ए नॉट, और एक एस आपने अलग से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये समझ रहे हैं, मतलब अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो अगर हमारे पास कोई एक्स ऑफ एस फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर फंक्शन में, जिसके डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में अगर कोई एस का कांस्टेंट टर्म है, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट अगर कोई टर्म है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो हमेशा उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अब फाइनल वैल्यू ज़ीरो कब नहीं होगी, अगर इसके लास्ट टर्म में भी क्या होना चाहिए, अगर एक एस का टर्म अगर आता तो क्या होता यहाँ से, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक्स ऑफ एस कुछ इस फॉर्म का फंक्शन होता कि फोर एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव अपॉन एस फोर प्लस टू एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस फाइव एस। अब यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है, अगर हमने उसमें लास्ट टर्म में एस का टर्म रखा है, अगर यहाँ हम कोई भी कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, तो फिर अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू देखें, अगर हम अब देखना चाहते हैं एस इंटू एक्स ऑफ एस लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, अब इस कंडीशन में क्या होगी वैल्यू, लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, आप अगर यहाँ पर एस टेंड्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारे टर्म ज़ीरो हो गए, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, एक एस हमने ये एस लिख लिया, इंटू इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको,
फाइव अपॉन, इसमें से अगर आप एस पूरे में से कॉमन कर लेते पहले, इस पूरे में से एस कॉमन आ सकता था, क्या वैल्यू आती, एस क्यूब, टू एस स्क्वायर, थ्री एस प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद क्या वैल्यू आती, फाइव। अब ये एस और एस कैंसिल होकर के आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर आपको फाइनल वैल्यू चाहिए नॉन ज़ीरो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, अगर एक्स ऑफ एस हमारा रेशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। किसी सिग्नल की फाइनल वैल्यू हम बता सकते हैं बिना टाइम डोमेन को देखे, अगर उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, उसको एस से मल्टीप्लाई करके उसमें लिमिट पुट कर देंगे एस टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अभी तक अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ गई, हम उसको दो मिनट में एक बार एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, और फिर हम कुछ एलिमेंट्री सिग्नल के ट्रांसफॉर्म पेयर्स लिख लेंगे, और इसके बाद आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म का आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, अंडरस्टूड है, यहाँ मैं अब इतना लिखूंगा नहीं कि x1 ऑफ t का लैपलास x1 ऑफ s है विद आर ओ सी आर वन, ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती है कि अल्फ़ा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म अल्फ़ा x1 ऑफ s प्लस बीटा x2 ऑफ s और आर ओ सी आर वन इंटरसेक्शन आर टू, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी टाइम शिफ्टिंग। एक्स टी के लिए अगर पता है तो x ऑफ t माइनस टी नॉट, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस एस टी नॉट इंटू जो भी पहले ट्रांसफॉर्म था x ऑफ s। आर ओ सी हमने देखा कंटेनिंग r, जो पहले आर ओ सी थी, आर ओ सी पर इफेक्ट नहीं था। थर्ड टाइम रिवर्सल, x ऑफ t का अगर x ऑफ s है तो x ऑफ माइनस t का आपने लिखा x ऑफ माइनस s, और आर ओ सी पहले अगर r थी तो आपने बाद में लिखा 1 बाई आर। वन बाई आर का सिग्निफिकेंस हमने देखा, ग्रेटर देन के साइन को लेस देन से या फिर वाइस वर्सा जो भी साइन है उसको पहले चेंज करना है, और फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसको भी चेंज करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, कि एक्स ऑफ अल्फा टी का ट्रांसफॉर्म वन अपॉन मॉड ऑफ अल्फा इंटू एक्स ऑफ एस अपॉन अल्फा, और आर ओ सी अगर पहले आर थी तो अब आर ओ सी अल्फा टाइम्स आर, ठीक है। फिर हमने देखा टाइम स्केलिंग के बाद, ठीक है, किस सीक्वेंस में हमने वहाँ किया है वो ज़रूरी नहीं है। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखी हमने कि अगर x1 ऑफ t कन्वॉल्व है x2 ऑफ t के साथ, तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा ओवरऑल का, दैट विल बी x1 ऑफ s मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ s, और ROC जो होगी दैट विल बी r1 इंटरसेक्शन r2, ठीक है। एक प्रॉपर्टी शायद हमने नहीं की, वो भी आप यहाँ लिख लें, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। बिल्कुल जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने पढ़ी थी कि अगर टाइम डोमेन में कन्वॉल्वड हैं तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लाइड हैं तो फ्रीक्वेंसी में कन्वॉल्वड होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि अगर x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म देखना है, तो वहाँ पर 1 अपॉन फूरियर ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन 2 पाई का टर्म आता है, यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई j का टर्म आता है, इंटू x1 ऑफ s कन्वॉल्वड विथ x2 ऑफ s, ROC R1 इंटरसेक्शन विद R2। सेवेंथ डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, XT का अगर पता है तो d by dt of x of t का ट्रांसफॉर्म s टाइम्स x of s, और ROC जो पहले थी दैट इज R। एट डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसके लिए लिखा था आपने माइनस टी इंटू एक्स टी का ट्रांसफॉर्म डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये माइनस यहाँ से हटा लें तो यहाँ कर लें, ठीक है। तो यहाँ टी का एक पावर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का एक साइन आएगा, दो पावर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। आर ओ सी इसके केस में भी
आर। डिफरेंशिएशन इन प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, इंटीग्रेशन इन टाइम, इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस अपॉन एस आर ओ सी, जो पहले आर थी, इंटरसेक्शन रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो, और इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्स ऑफ टी अपॉन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, सॉरी इट इज एक्स ऑफ एस डी एस आर ओ सी आर। इसके साथ इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये आप अभी आपने लिखी है उसको लिखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है यहाँ लिख ही लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस, और फाइनल वैल्यू थ्योरम लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी दैट इज एक्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कॉन्जुगेशन की एक और प्रॉपर्टी लिखी थी आपने, वो भी इसमें ऐड कर लेना। तो अब हम कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स के हमने देख लिए हैं, एक दो और सिग्नल्स के लिए हम कैलकुलेट करके फिर उसको भी हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे हमने, अगर हमारे पास कोई सिग्नल था एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू यू टी, तो हमने देखा था एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन एस, और आर ओ सी क्या थी, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर यहीं पर हम x ऑफ माइनस टी कर लेते तो हमें क्या सिग्नल मिलता, u ऑफ माइनस टी। तो अब अगर हम इसमें, अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें टाइम रिवर्सल कि अगर हमें xt का लैपलास पता है तो x ऑफ माइनस टी का लैपलास क्या होगा, अगर इस सिग्नल के लिए अगर हम ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं तो अब इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, जहाँ भी पहले s था वहाँ पर अब हमें क्या पुट करना है, माइनस पुट करना है। मतलब अगर हम ut का लैपलास 1 बाई एस है तो u ऑफ माइनस टी का लैपलास क्या होगा, 1 अपॉन माइनस एस, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एस, और रियल ऑफ s अब क्या लिखेंगे आप, ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन से चेंज होता है, यहाँ अगर कोई वैल्यू होती तो पॉजिटिव होती तो नेगेटिव कर देते, लेकिन ये ज़ीरो है तो ये भी वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सॉरी जैसे आपने अगर लिखा है कि u ऑफ माइनस टी का लैपलास, या तो आप कहें कि ये वैल्यू माइनस वन अपॉन एस है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी का लैपलास क्या है, वन अपॉन एस है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, अगर आप याद करें हमने एक सिग्नल लिया था e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस प्लस ए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। हमने एक दूसरा सिग्नल लिया था माइनस ऑफ इट द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसके लिए भी लैपलास ट्रांसफॉर्म सेम था वन अपॉन एस प्लस ए। तो इसीलिए अगर यू ऑफ टी और यू ऑफ माइनस टी के बीच का रिलेशन देखें, अगर फंक्शन में हम सिर्फ यू टी को यू ऑफ माइनस टी से रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर अगर हम माइनस साइन ले लें तो लैपलास ट्रांसफॉर्म सेम रहता है, और आर ओ सी भी आप कैसे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आपको आर ओ सी क्या मिली थी, रियल ऑफ एस लेस देन माइनस ए, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम। चलिए अब अगर ऐसे ही यू टी के लैपलास की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके पास कोई फंक्शन आएगा तो 60% केसेज में उन फंक्शंस में जिसका आपको लैपलास निकालना है, अगर हम लैपलास निकालने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें यू टी आपको एक फंक्शन दिखता है, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी दैट इज 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 5 टी इंटू यू ऑफ माइनस टी माइनस 3, ऐसा कोई भी फंक्शन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको u का कोई भी एक टर्म लगा हुआ दिख गया, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना,
आप सबसे पहले कैसे स्टार्ट कीजिए? वी नो दैट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1 अपॉन s विथ आर ओ सी रियल ऑफ s ग्रेटर देन 0। u ऑफ t के लिए पता है आपको। अब आपने यहाँ से ऑपरेशंस लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर फंक्शन हमारा u ऑफ t नहीं है, u t के साथ बहुत सारी ऑपरेशन से मिला हुआ हमारा ये सिग्नल हमें, जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म इवेल्यूएट करना है। सबसे पहले हम इधर से चले, हमें क्या दिख रहा है? शिफ्टिंग बाई माइनस थ्री। अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे तो हमें कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको यू टी का पता है तो यू ऑफ टी माइनस थ्री का लैपलास क्या होगा यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट आप करते हैं अगर टी माइनस टी नॉट होता है तो, ठीक है? तो ई टू द पावर माइनस थ्री एस, इतना आपको मल्टीप्लाई कर देना है अगर माइनस थ्री से आपने शिफ्टिंग की है जो पहले ट्रांसफॉर्म था। मतलब ये ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ये तो इससे क्या ऐड हुआ है, इससे सिस्टम की आर ओ सी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आर ओ सी अभी भी कितनी है, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो। आपने माइनस थ्री शिफ्टिंग देख ली। अब आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप मूव करके आए तो आपको क्या दिखा, नेगेटिव साइन, मतलब आपको रिवर्सल लेना है। तो यू ऑफ माइनस टी माइनस थ्री का लैपलास क्या होगा यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी? अब अगर आप टाइम रिवर्सल यूज़ करेंगे तो जहाँ भी s है उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ s से रिप्लेस करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस s लिखेंगे अगर, तो ये पार्ट 3s अपॉन यहाँ s की जगह माइनस s। और ROC पर क्या इफेक्ट होता है, ROC 1 बाई r हो जाएगी। मतलब ये ग्रेटर देन का साइन अब क्या हो जाएगा, चेंज होकर लेस देन ज़ीरो हो गया, ठीक है? इतने पार्ट का आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाइड दिख रहा है, e टू द पावर माइनस फाइव टी। देखिए सबसे पहले यहाँ आपने क्या यूज़ किया, यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपने यू टी का पता था तो टाइम शिफ्टिंग यूज़ करके u ऑफ t माइनस थ्री का फाइंड कर लिया। फिर आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगर आपने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ की तो u ऑफ t माइनस थ्री का पता था, u ऑफ माइनस t माइनस थ्री का पता कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि इस सिग्नल में e टू द पावर माइनस फाइव टी से हमने मल्टीप्लाई किया है। मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अभी हमने जब टेबल लिखा है तो उसमें शायद हम स्किप कर गई है, लेकिन आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी, हमने इसका प्रूफ भी देखा है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी सिग्नल एक्स टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है विथ आर ओ सी आर, देन अगर हम इसको ई टू द पावर एस नॉट टी से मल्टीप्लाई कर लें तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस एस नॉट। अगर यहाँ टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ साइन नेगेटिव लेना है आपको, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। और आर ओ सी पर क्या इफेक्ट होता है, आर ओ सी जो भी आर थी प्लस रियल ऑफ एस नॉट, ये चीज़ हमारी ऐड हो जाती है। आर ओ सी में जो भी एस नॉट वाला टर्म है उसका रियल पार्ट ऐड हो जाता है। तो अगर इतने का ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो देयर फॉर ई टू द पावर हमने कितना मल्टीप्लाई किया है, माइनस फाइव टी इंटू इस सिग्नल में इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब जहाँ भी एस है अगर ये माइनस नहीं होता तो ट्रांसफॉर्म में जहाँ भी एस होता उसको हम एस माइनस फाइव से रिप्लेस कर देते, लेकिन माइनस है यहाँ पर साइन, मतलब इस ट्रांसफॉर्म में जहाँ भी एस है उन सारे एस को आप इससे किससे रिप्लेस करेंगे, एस प्लस फाइव से रिप्लेस करेंगे। तो ई टू द पावर थ्री टाइम्स एस की जगह हमने लिखा एस प्लस फाइव अपॉन माइनस ऑफ एस की जगह हमने यहाँ भी लिखा एस प्लस फाइव, क्लियर है? और ट्रांसफॉर्म की आर ओ सी पर क्या इफेक्ट होगी, वैल्यू जो रियल ऑफ एस अभी हमने पहले क्या लिखा था, लेस देन ज़ीरो, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लस रियल पार्ट ऑफ एस नॉट। एस नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव, मतलब इसमें हम और क्या ऐड कर देंगे, माइनस फाइव। मतलब ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, रियल ऑफ एस मस्ट बी लेस देन, अब क्या वैल्यू मिली आपको, रियल ऑफ एस मस्ट बी लेस देन माइनस फाइव। तो जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यू ऑफ टी लगा हुआ दिख गया
मतलब u ऑफ t माइनस फोर माइनस ऑफ u ऑफ माइनस t माइनस सिक्स, ऐसा कोई भी फंक्शन, तो आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए, ऑपरेशंस लगाते जाइए, फिर आप सारे ऑपरेशन सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इस टाइप के प्रॉब्लम। एक और साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए, जैसे मान लीजिए ये सभी चीज़ें आप कंट्रोल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन अगर जिनके लिए कंट्रोल नहीं हुआ है उनके लिए, सपोज़ हमारा x ऑफ t है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी यू टी, इसको हम और क्या लिख सकते थे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यू टी। ये पूरा फूरियर सीरीज, पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये हमने इसी फॉर्मूले से ड्राइव किया, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता हैं कि आप कॉस ओमेगा नॉट टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल है वो अल्टीमेटली क्या है, 1/2 टाइम्स e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस 1/2 टाइम्स e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी, ऐसा सिग्नल है। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, दैट इज x ऑफ t 1/2 e टू द पावर, जैसे आप एक चीज जानते हैं कि आपके पास क्या है, a टू द पावर e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या वैल्यू होती है, 1/s + a। तो अगर आप इस टर्म को देखें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट इन टू टी यू टी, ऐसा लिख सकते हैं हम, e टू द पावर माइनस ए टी। तो a की वैल्यू इसके केस में कितनी है, माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। ऐसे ही इस दूसरे सिग्नल को क्या लिख सकते थे, प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू टी यू टी, मतलब ये दोनों ही फंक्शन हमारे इस फॉर्म के फंक्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स ऑफ एस आप क्या लिख सकते हैं, अब 1/2, दोनों में से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और इसका ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s + a, और a की जगह पर क्या वैल्यू है, माइनस जे ओमेगा नॉट। ये इतने पार्ट का ट्रांसफॉर्म हो गया। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई सिग्नल एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलकर बना है तो हम बारी बारी से इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसको हम ऐड कर लेंगे, और जो ROC होगी, अब वो ROC क्या होगी, दोनों का इंटरसेक्शन। इसके लिए ROC क्या होती, जैसे इसकी ROC हम क्या लिखते हैं, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनस ए, ऐसा लिखते हैं हम। यू टी अगर हमारा है, मतलब कॉजल के लिए अगर हम लिख रहे हैं, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इसके रियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, ठीक है, उसको भी हम करते हैं अभी, तो एस प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, और प्लस इस सिग्नल का अगर ट्रांसफॉर्म देखें तो 1/s + a, और यहां पर a की वैल्यू कितनी है, जे ओमेगा नॉट, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये देखिए एक्चुअली ये s माइनस जे ओमेगा नॉट और ये s प्लस जे ओमेगा नॉट है, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू देख लीजिए आप, s प्लस जे ओमेगा नॉट प्लस s माइनस जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर, और माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज जे ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जे का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ओवरऑल ये साइन जो आपको मिलेगा ये कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जे ओमेगा नॉट का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2s/2 ये कैंसल, 2 कैंसिल होकर फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी ये कैसी मिलेगी, s/s² + ω0² ठीक है। अब अगर इसके लिए आप ROC देखेंगे क्या होना चाहिए, रियल ऑफ s ग्रेटर देन माइनस a, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें माइनस ए टू द पावर माइनस ए टी यू टी, हमें रियल पार्ट जो है बस वही ROC डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, ए का
अगर यहाँ पर हम इसको लिखते, अगर हम इस ट्रांसफॉर्म के लिए, सपोज इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म निकालना होता, तो आप क्या लिखते, e टू द पावर माइनस, ये प्लस जे ओमेगा नॉट है, ठीक है, प्लस जे ओमेगा नॉट टी यू टी है, तो लिमिट हम कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी इन टू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इस फॉर्मूले से आप लैपलास इसका कैलकुलेट कर दें, ठीक है। तो जब आप लैपलास कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर रियल पार्ट सिर्फ क्या आता, ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, जो कहाँ से आता, ई टू द पावर माइनस एस टी से। बाकी जो पूरा पार्ट होता वो क्या आता हमारा, इमेजिनरी ही आता। मतलब यहाँ से ई टू द पावर जे अगर हम कॉमन कर लेते, माइनस अगर जे कॉमन कर लेते, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इन टू टी, ऐसा ये टर्म हमारा आ जाता। तो जब आप इसका लिमिट अगर आप 0 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, आर ओ सी अगर आप देखेंगे, तो ये जो टर्म है इसमें तो रियल पार्ट है नहीं। मतलब रियल पार्ट आर ओ सी जो होगी वो सिर्फ क्या होना चाहिए, जो सिग्मा होना चाहिए, बस ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों के कंडीशन में जो आपको आर ओ सी दिखेगी, दैट विल बी फॉर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। इसकी आर ओ सी भी सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, इसकी आर ओ सी भी सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगा आपको, आर ओ सी अगर आप देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ एस, सिग्मा क्यों मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अब रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी का ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से अब हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए ट्रांसफॉर्म पेयर्स अगर लिख लें, और उनके लिए अब अगर हम आगे उनको, आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जब आप लैपलास इनवर्स लेंगे तो आपको इन ट्रांसफॉर्म पेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज़ अगर हम लिख रहे हैं सिग्नल टाइम डोमेन में एक्स टी और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस और आर ओ सी आर। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप शुरू करें, जैसे हमने इम्पल्स फंक्शन लिया था डेल टी, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या थी, 1, और आर ओ सी हमने क्या लिखा था, एंटायर एस प्लेन, ठीक है। 1 के बाद अगर यूनिट स्टेप फंक्शन हमने लिया, तो आर ओ इसके लिए लैपलास 1/s, और आर ओ सी हमने लिखा था रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हम लिख लें माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी, तो इसके लिए भी हम लैपलास लिख सकते हैं सेम 1/s, लेकिन आर ओ सी अब क्या होगी, रियल ऑफ एस लेस देन ज़ीरो। अगर यहाँ माइनस नहीं लिखते तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम यू टी से बने हुए सिग्नल्स अगर हम देखें, तो हमने देखा था ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस ए रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, फिर से देखिए, अगर यहाँ माइनस ले लिया और यू ऑफ माइनस टी अगर कर दिया, तो भी लैपलास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेम है 1/s प्लस ए, आर ओ सी चेंज हो जाएगी रियल ऑफ एस लेस देन माइनस ए, ठीक है। और अगर हम देख लें सिग्नल एक्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस आर ओ सी, तो जैसे अगर हमने लिखा टी टू द पावर एन यू ऑफ टी, तो इसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म आपने लिखा था फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, और आर ओ सी क्या थी, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ई टू द पावर माइनस ए टी जब होता है तो ग्रेटर देन आप माइनस ए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है, ग्रेटर देन ज़ीरो। पोल कहाँ पर है, ज़ीरो पर, कितने पोल्स हैं उससे मतलब नहीं है। ऐसे ही टी टू, अगर आप यहीं पर माइनस ऑफ टी टू द पावर एन यू ऑफ माइनस टी के लिए देखें, तो भी लैपलास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेम होगी फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, लेकिन अब आर ओ सी क्या होगी, रियल ऑफ एस मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। अगर ऐसे ही ई टू द पावर, अगर हम टी टू द पावर एन इन टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी करते, तो इसके लिए क्या होती है वैल्यू ट्रांसफॉर्म की, फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन, और अब आर ओ सी की वैल्यू क्या थी, रियल ऑफ एस, पोल कहाँ पर है, माइनस ए पर,
कितने पोल्स हैं उससे मतलब नहीं है, हमेशा ROC क्या होगी, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, अगर हम क्या ले रहे हैं, कॉजल सिग्नल ले रहे हैं। यहाँ भी अगर आप माइनस साइन लगा दें टी टू द पावर एन ए टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो भी लैपलास ट्रांसफॉर्म सेम होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन ROC रियल ऑफ एस मस्ट बी, अब यहाँ पर क्या साइन होगा, लेस देन ए, क्योंकि अब हम कैसे सिग्नल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइडेड सिग्नल की बात कर रहे हैं। यहीं पर अभी हमने देखा कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, इसके लिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया हमने, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और ROC रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसे ही अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी के लिए कैलकुलेट कर लें यू टी, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी एस प्लस ए, सॉरी साइन ओमेगा नॉट टी, इसके लिए ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ROC सेम रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ज़ीरो। बस यहाँ फॉर्मूले में साइन ओमेगा नॉट टी की जगह आप e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j कर लेना, तो यही फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद फिर से अगर हम XT, एक्स ऑफ एस और ROC की बात करें, और तो यहाँ पर अगर आपने e टू द पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, तो देखिए ये अगर आपको कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी का ट्रांसफॉर्म पता है, अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, e टू द पावर एस नॉट टी से अगर आप किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके ट्रांसफॉर्म में क्या इफेक्ट होता है, जहाँ भी s है वहाँ पर अगर ये साइन माइनस है तो s प्लस ए से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ जहाँ भी s है वहाँ पर अगर आप s प्लस ए से रिप्लेस कर दें तो क्या टर्म मिलेगा आपको, s प्लस ए अपॉन s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ROC क्या होती है, रियल ऑफ s, जो पहले ROC थी उसमें आपको रियल पार्ट ऑफ s नॉट ऐड कर देना, और रियल पार्ट ऑफ s नॉट कितना है, माइनस ए। वैसे भी आप देख रहे हैं इसके लिए जो पोल आएगा, अगर यहाँ देखें तो पोल कहाँ पर है, जहाँ ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाए, कहाँ पर ज़ीरो होगा, एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, मतलब पोल कहाँ पर है, इमेजिनरी एक्सेस पर पोल है। मतलब अगर आपको, अगर आपका सिग्नल राइट साइडेड है तो हमेशा ROC कैसी होगी, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, और पोल अगर इमेजिनरी एक्सेस पर हैं तो इसीलिए आपने ROC कैसी लिखी है, सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो वाली आपके इस पूरे रीजन में आप ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर आप पोल देखें अब, तो अब पोल की वैल्यू है माइनस ए प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है, तो मतलब अब जो आपकी ROC होगी वो पोल के राइट हैंड साइड, राइट टू द राइट मोस्ट पोल अगर आप देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनस ए। ऐसे ही अगर आप e टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी के लिए ट्रांसफॉर्म देखेंगे, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते, दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ROC इसके लिए भी ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनस ए। तो ये सभी जो ट्रांसफॉर्म्स हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और ये याद रहेंगे, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे इनको तो बिल्कुल आपके याद रहेंगे, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत नेटवर्क और कंट्रोल में ज़्यादा पढ़नी है इस सिग्नल्स एंड सिस्टम से, ठीक है। तो तीन तीन सब्जेक्ट्स में जहाँ पर चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, बेसिकली देखिए जितने भी ये फंक्शंस हमने लिखे हैं जिसमें यूटी लगा दिया हमने, तो मतलब वो सभी कौन से ट्रांसफॉर्म्स हैं, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म्स हो गए, ठीक है। लेकिन ROC की जब हम बात करते हैं, मतलब अगर बाइलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म है तो वहाँ पर ROC आपका डिफाइन करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम में नॉर्मली हम इनकी बात नहीं करते ROC की, ठीक है। तो ये इतने ट्रांसफॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम के कॉजलिटी और स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी की बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कुछ, ये ठीक है, आज का लेक्चर फिर से लंबा हो गया, अभी लास्ट लेक्चर पे मैंने कमेंट देखा कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक्चुअली हमें टाइम कम मिलता है, तो जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मैं सोचता हूँ कि कुछ ज़्यादा कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक लेक्चर हम और रखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म पर, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी भी बुक से आप जिससे भी सॉल्व कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे, अगर नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल हम उसको सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।